वेलकम बैक टू माय नंबर ब्लॉग। तो आज फिर से मैं एक ट्रैवल ब्लॉग मतलब हम लोग सोनारी जा रहे हैं। तो संडे को हम लोग को टाइम मिलता है, नहीं तो भाई का दुकान खुला रहता है तो संडे को बंद रहता है, इसलिए हम लोग सोनारी निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा रिलेटिव के घर में भी जाना है बाबू को लेकर, तो सोचा आप लोगों के साथ एक छोटा सा ब्लॉग भी शेयर कर दीजिए और ये मेमोरी भी रह जाएगा क्योंकि बाबू थोड़ा थोड़ा करके बड़ा हो रहा है अभी, तो बहुत ब्लॉग पेंडिंग है अभी भी, तो मैं टाइम निकाल निकाल के एडिट करूँगी। तो फिलहाल अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पर मेरा बाबू भी रेडी हो चुका है। तो कैसा लगा जरा कमेंट में बताइएगा। वो सोच रहा है मम्मी कहाँ लेके जाएगा आज मुझे तो उसको रेडी होना भी पसंद है, उसको घूमना भी पसंद है, मतलब रोना धोना इतना नहीं है। तो चलिए अभी बिना बकबक के मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है मेरे बैग पर, मतलब बेबी होने के बाद अभी क्या क्या लेना पड़ता है आपको झटपट दिखा देती हूँ मैं। चलिए, और जो जो न्यू मॉम है जरूर कमेंट में बताइएगा आप लोगों का भी हाल मेरी तरह ही है। गर्म पानी, फिर ये दूध का डब्बा है, यहाँ पर दो सेट मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, एक टॉवल लिया है और ये वाइप्स, फिर ठंडा पानी भी लिया है मैंने और शायद डायपर भी है, ये एक्स्ट्रा मैंने तीन डायपर ले लिया। इसमें बस इतना ही रहता है और यहाँ पर साइड पर मैंने पर्स रखा है और यहाँ पर एक दूध का बोतल जो मैंने दो लिया है एक एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। तो बस यही है मेरा बैग। पहले मुझे बैग हो पर्स हो मुझे पकड़ना पसंद बिल्कुल नहीं था, मैं जींस के पॉकेट में पैसा डाल देती बस इसी तरह मैं चली जाती थी, लेकिन अब पूरा लाइफ चेंज हो चुका है मेरा। तो चलिए अभी हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ देखिए मम्मी की गोदी पर है बेबी मेरा, तो वो भी पूरा एंजॉय कर रहा है और ना वो उसको गाड़ी में बैठने के साथ साथ उसका एसी ऑन होना चाहिए, उसका म्यूज़िक सिस्टम ऑन, म्यूज़िक सुनते हुए जाना उसको पसंद है तो म्यूज़िक भी ऑन हो जाना चाहिए। कहीं कहीं पर भाई मतलब गाड़ी रुका देते ना उस टाइम में उसका ओ आज शुरू हो जाता है जहाँ, हालाँकि मुझे एसी का हवा बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन पता नहीं मेरा बेबी को कहाँ से पसंद आ गया, तो उसके वजह से एसी ऑन रखना पड़ता है। नहीं तो पहले मैं भाई को बोलती थी खिड़की ऑन करो, खिड़की खोल दो, एसी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन सब कुछ चेंज है, मेरा लाइफ टोटली चेंज हो चुका है। और यहाँ पर ना पहले का जो ब्रिटिश टैंक का ब्रिज था वो टूटने के बाद ये अभी नया बना है, तो ये नामतला में है आप लोगों को तो पता ही है यहाँ का जो है, और जिसको पता नहीं उसके लिए मैं बोल दे रही हूँ। तो फाइनली अभी हम लोग सोनारी पहुँच गए हैं, सोनारी पहुँच के हम लोग सबसे पहले खाना खा लेंगे इधर, क्योंकि सबके घर में जाने से पहले दोपहर भी हो रहा है तो इसलिए सोचा कि खाना खा के निकलते हैं हम लोग यहाँ से। सबसे पहले खाना खाते हैं क्योंकि सबके घर में जाना है और अभी दोपहर का टाइम है, सबको बोले खा लेने के लिए, तो बिना फ़ोन किए सबके घर में जाकर इस तरह खाना अच्छा नहीं लगता बल्कि। चलिए देखिए, तो ये हम लोग यहाँ पर सोनारी में फूड बास्केट में घुसे थे खाना खाने के लिए, जो जो सोनारी से आप लोगों को तो पता ही है, और बहुत अच्छा लगा मुझे ये थीम, एकदम कूल वाला वाइब्स आ रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये जगह, और स्पेशली यहाँ पर शायद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। प्लेन राइस और इधर अभी जैसे खाना ऑर्डर देने के बाद हम लोग बैठे थे, मैं यहाँ पर बाल खोल दिया था क्योंकि बाल पूरा गीला था मेरा, उसी टाइम में मेरा बेटा ने पॉटी कर दिया था, तो अच्छा वो खाने के टाइम में नहीं किया था, खाने से पहले ही कर लिया था, तो उसको क्लीन करने के लिए अभी गाड़ी में वापस जा रही हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है उधर में क्लीन करना, ऐसे भी जगह रहने से क्लीन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उधर में इतना स्पेस नहीं था तो हम लोगों ने गाड़ी पर ही आ गया और बस साफ उफ करके फिर अंदर जाना पड़ा। यहाँ पर इन्हें फिर से ले लिया बाबू को और अभी चलिए अंदर चलते हैं, दिखाते हैं खाने पर क्या क्या ऑर्डर दिया था, ज़्यादा कुछ नहीं था तो सिंपल ही था, तो चलिए दिखाते हैं। तो
हम लोग ने जो ऑर्डर दिया था बिरयानी, मैंने चिकन बिरयानी ऑर्डर दिया था और मम्मी ने प्लेन राइस और पनीर का कुछ सब्ज़ी था, ये ग्रेवी वाला सब्ज़ी जो कि बहुत ज़्यादा मीठा मीठा था, मम्मी का मैंने टेस्ट करके टेस्ट कर लिया था। उसके बाद राहुल भी आ गया था, तो राहुल ने भी बिरयानी ऑर्डर दिया था। उसके बाद हम लोग बुआ के घर आ गए थे जहाँ पर हम लोग शादी से पहले रहते थे, तो यहाँ आके बाबू को बिस्तर पर रखते, वो भी यहाँ से बात कर रहा था अपने मामा के साथ, तो वो उसको तो बस बात करने के लिए कुछ चाहिए रहता है, वो बात करने में बहुत मतलब इंजॉय करता है, तो बात करने से बात करता है। उसके बाद उसी का सामने फिर मासी का घर, तो मासी के घर पर भी आ गया था। उसके बाद तो उसका ही खुद का मासी इतना मिल गया था उसको, सबको ही मिलकर पूरा, अब उसका ही मासी लोग उसके साथ बिजी हो गया, अभी मेरा कोई वैल्यू नहीं है जाने के साथ, सबको मतलब बेबी को लेकर ही मतलब बिजी हो जाता है। अच्छा भी लगता है, लेकिन कभी तो कोई तो बोल दो कैसे हो तुम लेकिन कुछ नहीं, ऐसा होता है हर न्यू मॉम के साथ ही ऐसा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाबू सोच रहा होगा मम्मी कम थी क्या, अभी ये मासी लोग भी आ गए कैमरा लेकर, क्योंकि सबको उसके साथ फ़ोटो क्लिक करता है स्टेटस अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग फिर मम्मी का फ्रेंड का घर पर आ गए थे जिस मेरा मौसी लगती है। तो उसके बाद उसी दिन मतलब रथ यात्रा बोला जाता है, तो वो भी था, तो अच्छा है कि मेरा बेटे को भी देखने को मिल गया। तो मम्मी और मेरे बेटे ने एक ही साथ ही मतलब रस्सी को खींचा, तो अच्छा लगा मुझे बहुत। तो यहाँ पर सबको भगवान जी को लेके जा रहे थे, नाच भी रहा था सबको, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर टाइम स्पेंड करके। और ये है हम लोग का नई दुल्हन, उसका भी नया शादी हुआ है, तो बस अभी हम लोग घर के निकल रहे हैं और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सेल्फी क्लिक किया था। उसके बाद बस घर पहुँच के बाबू को थोड़ा सा फ्रेश करके बिस्तर पर रख दिया और भी वो थोड़ा सा खेल रहे आए। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, कैसा लगा ज़रूर ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए।